हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पीएफटी के बारे में, फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2024। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस बार डायरेक्ट सबको बुलाया जा सकता है या फिर पीएफटी के लिए कॉल आएगा और शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीएफटी इस तरीके से। तो जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था, तो इन्होंने जो है सब कुछ आपके सामने शो कर दिया है। जय हिंद, मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, आज वो सबके सामने क्लियर हो चुका है। यहां पे लिखा हुआ लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट विल बी डिक्लेयर सून, प्री बीपीएड एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट डिक्लेयर। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो आप पीएफटी देने के लिए जाएंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं क्या सर सबको बुलाएंगे या फिर रिजल्ट आएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको एक दिन पहले शो कर दी थी कि इस बार ऐसे होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवा रही है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। तो आपके सामने आ चुका है। अब लगातार अपनी वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे और लिस्ट आएगी पूरी एक। या फिर ऐसे हो सकता है जैसे रिजल्ट आया है, आपने रिजल्ट जो चेक किया है उसमें नंबर को जो है शो कर रखा है, तो ऐसे भी हो सकता है उस पर लिखा होगा शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीएफटी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई हैं, मींस आप पीएफटी देने के लिए जाएंगे, आपका नंबर आ गया है, ऐसे भी आ सकता है। या फिर एक लंबी लिस्ट डाल सकते हैं वो सारी कैटेगरियों की मिक्स, और उसमें जो जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का नाम होगा किसके लिए, नेक्स्ट स्टेप पीएफटी के लिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने ये शो कर दिया आपके सामने, स्क्रॉल होते हुए दिख रहा है, आप पढ़ सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोल लेते हैं कि ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखो, जब हम किसी फील्ड में अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में बहुत सारा अनुभव हो जाता है। तो ये सब आपके सामने आ चुका है। अब किसी भी खिलाड़ी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार आज से ही अपनी इस वेबसाइट को वेट करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, लिस्ट भी आ सकती है या फिर रिजल्ट भी आ सकता है, उसमें लिखा होगा शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीएफटी। तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ अब क्लियर हो गया है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को लगातार मैसेज कॉल कर रहे हैं, सर मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो प्रिंटआउट वाली जो मार्कशीट होती है उसको भी आप लेकर जा सकते हैं, एचओडी से, प्रिंसिपल से, यूनिवर्सिटी से, उस पर सील मोर लगवा के आप लेके जा सकते हैं कि सर मेरा रिजल्ट 15 दिन बाद आएगा, मैं आपको 15 दिन बाद आपको शो कर दूंगा। तो उसके लिए एक अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करवाते हैं। जब आप पीएफटी देने के लिए जाओगे तो एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो वो आप एक एप्लीकेशन लिखकर और प्रिंटआउट लेकर, आपका ओरिजिनल मार्कशीट आपके हाथ में नहीं है, वो लेकर मोर्स यूनिवर्सिटी से, एचओडी से, प्रिंसिपल से आप लेकर चले जाएंगे, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। आप चैलेंज कर सकते हैं, याद रखना, डरना नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स को। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने काफ़ी एनालाइज़ किया क्योंकि आप सब लोगों ने नंबर जो है मेरे को गलत शेयर कर रखे हैं, किसी ने ऐड करके शेयर कर रखा है, किसी ने सिंपल शेयर कर रखा है। तो इस बार मैं बात करूँ यहाँ पर जनरल कैटेगरी की, जो आपका हम बोल सकते हैं पीएफटी के लिए जो कॉल आने वाला है या लिस्ट में नाम आने वाला है, तो जिसके स्टूडेंट्स के मैं बात करूँ यहाँ पर 48 से लेकर 55 के बीच में आपका जो है हम बोल सकते हैं कॉल आने की संभावना है। ये मेरा एनालिसिस है, ये मैं वो एकदम एक्यूरेट नहीं बोला कि इतने पे ही होगा, 2-4 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि आपने जो नंबर शेयर कर रखे, अगर आप सही नंबर शेयर करते तो 100% आपको मैं सही चीज़ शेयर करता। तो इसमें जो है मैं कुछ परसेंट मैं कह सकता हूँ कि आगे पीछे हो सकता है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो यहाँ पर जो है 40 से लेकर जो है 48 के बीच में रहने वाला है आपका एडमिट कार्ड की हम बात करें, लिस्ट में नाम जो आने वाला है। ओबीसी की मैं बात करूं, ओबीसी जो है ज़्यादा हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो ओबीसी में ज़्यादा हैं, तो कई बार क्या होता है जनरल से भी कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर। तो यहाँ पर जो है 55 से लेकर 60 के बीच में इनका जो है एडमिट कार्ड आने की संभावना है। एससी की मैं बात करूँ, एससी तो लगभग 40 से 45 के बीच में रहने वाला है, और एसटी की मैं बात करूँ तो 38 से लेकर और आपका यहाँ पर 45 के बीच में रहने वाला है। मीन्स ये काफ़ी मैंने एनालाइज किया, तो
तो आपने नंबर जब गलत शेयर किए तो तब भी फिर मैंने एनालाइज किया कि इतने नंबर पर आपका जो एडमिट कार्ड आने की संभावना है, और मैंने आपको बताया कि एडमिट कार्ड भी आ सकता है पीएफटी के लिए, और जिन जिन खिलाड़ियों का लिस्ट में नाम होगा, जैसे डीयू आपके लिए जो शेयर करती है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है लिस्ट निकालती है कि ये स्टूडेंट्स पीएफटी के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, और बीएचयू की बात करूँ तो वो एडमिट कार्ड डिक्लेयर करती है शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीएफटी। तो इन दोनों में से कैसे भी हो सकता है, अभी रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि लिस्ट आएगी पूरी स्टूडेंट्स की क्वालिफाइड की या फिर सबका रिजल्ट आएगा। तो मैं समझता हूँ कि अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा और ये सब कुछ सामने शो कर दिया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट मैंने 2 दिन पहले बोला था कि ऐसे हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, थैंक यू, जय हिंद।